राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कुल सचिव की नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उनके डिग्री एमफिल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार फर्जीवाड़े के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस कड़ी में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया और कुल सचिव को उनके पद से हटाने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री ने बताया कि कुल सचिव की एमफिल की डिग्री फर्जी है और लगातार विश्वविद्यालय से भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही है, जिसे देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे हुए हैं। जिस तरीके से अभी हमको मीडिया के माध्यम से भी समझ में आया और जो रजिस्ट्रार महोदय के ऊपर 3 बार जांच कमेटी बैठी है, उस जांच कमेटी ने भी उनके नियुक्ति को फर्जी माना है। उस फर्जी मानने के बाद भी जब तक रजिस्ट्रार अभी यहाँ पर कुल सचिव के पद में बैठा हुआ है, तो उस कुल सचिव के पद से उनको हटाने के लिए आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 30 मई को हम लोगों ने उस समय के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अभी अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आने वाले समय में भी अगर कुल सचिव महोदय को हटाया नहीं गया तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन भी करेगी और सरकार को घेरने का काम भी करेगी। भ्रष्टाचार से लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी अभी 20 मई को सुनने में आया था कि लड्डू के लिए भी उनके लिए घोटाला हुआ है, पेपर घोटाला हुआ है, ऐसी बहुत सारी घोटाले रविशंकर के अंदर चलती आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आगे और बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।